दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। आप सभी को पता है लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, लोकसभा इलेक्शन से पहले ही बहुत बड़ी बात बोल दी है जो कि इतिहास में किसी भी इंडियन पॉलिटिशियन ने इतनी बड़ी बात नहीं बोली है। मैं आगे वीडियो दिखाने से पहले दो लाइन शायरी सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं, अगर आपकी कोई कीमत न जाने तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। दोस्तों आगे वीडियो लगाता हूँ, वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये जो पेपर चोरी किया ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है। अभी श्री राहुल गांधी जी ने ये बात कही, बात में बहुत दम है कि ये सरकार पेपर लीक खुद करवाती है कि एक मुद्दा बन जाए और मुद्दा बनेगा फिर डीले पे डीले, और यही तो हिंदुस्तान में हो रहा है मैम, डीले ही हो रहा है सिर्फ और कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। 24 के चुनाव में जनता इतना वोट देगी, इतना वोट देगी, बेईमानी करने वाले बेईमानी भूल जाएंगे और यहाँ सरकार कांग्रेस की आकर रहेगी। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे ये जरूरी क्यों है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कंसिस्टेंट कोई नेता इस बात को उठा रहा है, पता ही नहीं चलेगा कि कितने लोगों पे क्या है। तो पॉलिसीज कैसे बनेंगी? पॉलिसीज बनने का सबसे बड़ा वो होगा, डेटा आप पे नहीं है तो डेटा होना चाहिए, कास्ट सेंसस उसका सबसे बड़ा सोर्स होगा। ये जो पेपर चोरी किया ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है। अभी श्री राहुल गांधी जी ने ये बात कही, बात में बहुत दम है कि ये सरकार पेपर लीक खुद करवाती है कि एक मुद्दा बन जाए और मुद्दा बनेगा फिर डीले पे डीले, और यही तो हिंदुस्तान में हो रहा है मैम, डीले ही हो रहा है सिर्फ और कुछ नहीं हो रहा है। देश में किसानों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, बेरोजगार युवाओं के खिलाफ सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। ये आवाज गरीबों की है, किसानों की है, नौजवानों की है, बेरोजगारों की है, अल्पसंख्यकों की है, ये आवाज जो है सरकार के खिलाफ। मैं आपको गारंटी दे के कह रहा हूँ 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। 24 के चुनाव में जनता इतना वोट देगी, इतना वोट देगी, बेईमानी करने वाले बेईमानी भूल जाएंगे और यहाँ सरकार कांग्रेस की आकर रहेगी।